हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बायोडीजल के बारे में बात करेंगे कि बायोडीजल का क्या असर पड़ता है आपके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे, आपकी नोजलों पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि अभी पीछे हमने बायोडीजल की एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि बायोडीजल को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए और उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो आज हम हमारे वर्कशॉप में काफ़ी ऐसे केसेस आए बायोडीजल यूज़ करने के बाद जो नोजल ख़राब हो जाते हैं, इंजेक्टर्स ख़राब हो जाते हैं, तो वो केस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको स्क्रीन पर देखना है कि यदि हम बायोडीजल यूज़ करते हैं तो ये नोजल है, ये टाटा आप मतलब नोजल जो है वो देखिए, आपके चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, लीलैंड हो, नोजल नोजल है, चाहे उसका कोई भी पार्ट नंबर हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, ठीक, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बायोडीजल यूज़ करने के बाद ही होता है। तो आप स्क्रीन पे अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो नोज़ल की जो टिप है, ठीक, पूरा जो इंजेक्टर होता है उसमें ये नोज़ल फिट होती है, इसकी जो टिप है उसमें जो होल्स हैं वो इतने ज़्यादा चौड़े हो गए हैं कि उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में डीजल निकल रहा है। गाड़ी में शिकायत है कि गाड़ी में ब्लैक स्मोक है और गाड़ी बहुत ज़्यादा डीजल पी रही है। तो इंजेक्टर्स हमारे पास आए, हमने टेस्ट किया, तो इंजेक्टर्स की जो मेन डिलीवरी थी, जो यहाँ से तेल निकलता है, वो अगर 172 ml होनी चाहिए तो उसकी जगह वो आ रही है लगभग 250 ml। तो इसको हमने गौर से देखा, नोज़ल को चेंज किया, वो डिलीवरी हमारी सही हो गई। तो बाद में जब हमने और ध्यान से देखा तो हमको दिखा कि ये नोज़ल्स के जो होल हैं वो इतने ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। अब यहाँ पे देखने वाले कई लोग हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि शायद जब नोज़ल चल जाती है तो इतने बड़े छेद हो ही जाते हैं कि समय के साथ ऐसा हो जाता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको नई नोज़ल की फ़ोटो दिखाता हूँ, ये नई नोज़ल है, इसके छेद आप देखिए, इसके जो होल्स हैं, जो ओरिफिस हैं जहाँ से डीजल निकलता है, तो वो कितने ज़्यादा छोटे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे, जो अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई उस फ़ोटो से आप कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले बहुत छोटे हैं। तो अब मैं आपको एक तीसरी फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें नोज़ल जो है यूज्ड हो चुकी है, लगभग 1,50,000 किलोमीटर चल चुकी है, और उसके बाद भी देखिए ये वो नोज़ल है जो लगभग 1,50,000 किलोमीटर चल गई, और इसमें जो होल है वो बिल्कुल सही साइज़ का है। लेकिन जो यहाँ पे होल हम देख रहे हैं, जो बायोडीजल यूज़ करने के बाद जो हाल हुआ है वो अलग ही हाल हुआ है। अब इस वीडियो में हमको ये देखना है कि बायोडीजल यूज़ करने से ऐसा होता क्यों है। तो सबसे मेन बात ये है कि बायोडीजल जो है वो एक टेम्परेचर के बाद जाकर के जमना चालू हो जाता है, वैक्स बनना चालू हो जाता है, मोम की तरह बनना चालू हो जाता है। ये मोम जब आपके फिल्टरों में जाती है आपके फिल्टर को चोक करती है, और यही मोम आपके नोज़लों के अंदर बनती है। कैसे बनती है, ये हमारा पूरा इंजेक्टर है, ये मैकेनिकल इंजेक्टर है, ये अभी फायरिंग पोजीशन पे है, इसकी जो पोजीशन है वो फायरिंग की है, इसमें से तेल निकल रहा है, लेकिन हम देखते हैं ये नोज़ल जो अभी बंद है, अगर हम बायोडीजल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से डीजल हो करके नोज़ल के अंदर इस तरीके से बैठ आएगा, डीजल जो है नोज़ल के अंदर नोज़ल पिन के चारों तरफ बैठ आएगा। अब वो यहाँ से तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये नीडल ऊपर की तरफ नहीं उठती है, ठीक, वो तब उठेगी जब डीजल में प्रेशर की वेव आएगी और वो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी और डीजल स्प्रे होगा, ठीक। अभी डीजल स्प्रे नहीं हो रहा है, लेकिन जब गाड़ी रात को खड़ी होती है या कभी भी खड़ी होती है और टेम्परेचर हमारा लगभग 30 डिग्री से नीचे जाता है, क्योंकि देखिए बायोडीजल कई प्रकार के आ रहे हैं, बायोडीजल आजकल लोग पता नहीं, शायद अपने घर के अंदर भी हो सकता है, एक छोटी सी दुकान लेकर के उसमें भी बना रहे हों, सब्जियों से बनता है, जानवरों की चमड़ी से बनता है, सही तरीके से नहीं बनता है, और बायोडीजल का खुद का नेचर है जम जाना, तो बहुत सारी कमियाँ हैं जिस वजह से हमें बायोडीजल का इस्तेमाल नहीं करना है। पेट्रोल पम्प वाले काफ़ी लोग जो हैं वो बायोडीजल की मिक्सिंग अपने डीजल के साथ करके देते हैं, तो अब उसका नतीजा क्या होता है, यहाँ पे डीजल आकर के बैठ जाएगा। अब वो 30 डिग्री सेल्सियस जैसे ही नीचे आएगा तापमान, उससे नीचे आएगा तो वो जमेगा, जब वो जम जाएगा तो जाहिर सी बात है
होल्स, जैसे ही ये फायरिंग पोजीशन पे आएगा थोड़ा सा उठेगा, वो मोम जो है वो यहाँ पे जो छेद हैं, जो हमने ये छेद हैं ठीक, इन छेदों के ऊपर वो, तो नोजल की टिप जो है, नोजल की जो ये टिप है, ये वाली जो टिप है, वो छेदों को बंद नहीं कर पाएगी। जब छेदों को बंद नहीं होगी तो डीजल जो जा रहा है लगातार जो पिस्टन में जा रहा है, और कंप्रेशन की वजह से वो जल भी रहा होगा, तो वो जब आग लगती है, और जैसे ही आग लगेगी वैसे ही ये जो छेद हैं, ये टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि जो डीजल है वो इसमें से डायरेक्ट निकल रहा है, और इसमें से जब आग लगेगी तो प्रॉपर आग नहीं लगेगी, और इस नोजल के जो होल्स हैं वो फैलने लग जाएंगे, जो मेटल है वो ख़राब होने लग जाएगा, और इस तरीके से जो है आपका होल का साइज़ जो है वो बढ़े आएगा। तो इसके बाद आपको सारी दिक्कतें जो हैं वो पैदा होने लग जाएंगी गाड़ियों में। तो इस रीज़न से हमें बायोडीजल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, वो हमारी गाड़ियों के लिए सही नहीं है, भट्टियों के लिए, फर्नेसेस के लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।